हुआ एक वर्ष में और होना भी चाहिए। 16 संस्कार बताए गए हैं, नामकरण संस्कार जो होता है वह एक वर्ष के बाद ही हमें कराना चाहिए। आज ही की बात बताएं, कोई फोन आया था अभी सुबह की, पंडित जी अभी हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, नामकरण कर दो अभी आज सुबह 9:30 या 10 बजे की बात है, और शायद 11:30 11 बजे फोन आ गया कि नामकरण कर दो। ये संस्कार है, जब तक शुद्धिकरण ना हो महाराज तब तक तो नामकरण नहीं कराना चाहिए। महीने सवा महीने तो हो जाए उसके बाद नामकरण, क्योंकि ये 16 संस्कारों में आता है नामकरण संस्कार। एक वर्ष नहीं रुको तो कम से कम सवा महीने रुक करके आप नामकरण संस्कार कराने जाएं, और नामकरण संस्कार कराने भी जाएं तो ब्राह्मण के पास जाकर के पोथी पंचांग जो भी शास्त्र ग्रंथ हैं उनका पूजन करके नामकरण संस्कार कराएं। लेकिन आजकल तो फोन का जमाना है, 2-4-5-10 तो हमारे पास डेली आते हैं, व्हाट्सएप खोलो तो कोई लिस्ट बनी पड़ी है कि 4:30 बजे 5 बजे 6:30 बजे 5:10 पे पहुंचा दो महाराज। ये संस्कार आपने पहले ही संस्कार जो हुआ उसी को महाराज आपने फोन पे ही पूछ लिया। संस्कार की विधि होती है, जो भी नामकरण कराएं कम से कम 6 महीने के बाद कराएं, और भी समय यदि मिले तो 1 वर्ष के बाद नामकरण कराना चाहिए, क्योंकि वह राशि का नाम होता है। और दो नाम तो होने ही चाहिए बच्चों के, कोई कोई राशि का नाम भी वही रख लेते हैं, कोई कोई चालू नाम भी वही रख लेते हैं, और जब विवाह का समय आता तो बोलते पंडित जी एक ही नाम है, और शादी नहीं बने तो पंडित जी नाम पलट दे। नाम पलट दिया तब भी ना बने तो पंडित जी अपने नाम से रख दो। लेकिन ये सत्य बात है, यदि नहीं बनना होगा ना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, यदि विवाह नहीं बनना होगा आप 10-10 नहीं 15-15 बार भी नाम पलट लो तब भी मिलान नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। और यदि बनना होगा, एक नाम तो ब्राह्मण ने दिया, एक तो माता पिता ने दिया, तीसरा नाम परमात्मा देता दी, तीसरे नाम में नहीं बनाना महाराज तो आप कितनी बार पर्ची पलट लो। हमने भी कई बार मन में विचार किया कि नाम पलटने से शायद इस नाम से बन जाए, इस नाम से बन जाए, इस नाम से बन जाए, 10-10 15-15 बार पर्ची पलट करके देखी महाराज, लेकिन नाम राशि वही आएगी जिससे नाम मिलान नहीं होना हो, और होना होगा तो आप एक बार उठाओ तत्काल मिलान हो जाएगा। इसलिए नामकरण संस्कार कराएं तो राशि का नाम अलग रहने दे, चालू नाम घर में कुछ और रखें, दो दो तीन तीन नाम तो सबके होते ही हैं। तो भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ,